बजट पर चर्चा में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बजट के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बृजभूषण जी अभी मनरेगा और वितरण प्रणाली सार्वजनिक के घोटाले पर चर्चा कर रहे थे। मैं तो किसान हूँ, किसान पर ही केंद्रित करूँगा अपनी बात को। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सभापति महोदय कि लगभग एक सप्ताह, पिछले सप्ताह भी और इस सप्ताह भी बजट की चर्चा हो रही थी, पिछले सप्ताह भूमि की चर्चा हो रही थी, भूमि अधिग्रहण वाले उस पर भी किसान की ही चर्चा हो रही थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देवगुड़ा जी बोल रहे थे किसान पर ही केंद्रित, बहुत सारे लोग किसान पर, ये किसानों का देश है, किसान पर चर्चा हो रही, तो मैं प्रसन्न भी हो रहा था। तो मैं एक सदन से निवेदन करता हूं, यहां वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं भारत सरकार के, सर्वसम्मत से अगर किसानों के हित में आप चर्चा कराना चाहते हैं तो रेल का बजट अलग से हो सकता है, तो कृषि का बजट अलग से क्यों नहीं हो सकता। और कृषि का अलग बजट हो सकता है तो किसानों पर चर्चा करने के लिए बहुत विषय नहीं रह जाएगा। एक किसान होने के नाते इस बात को मैं कह सकता हूं, और कर्नाटक की सरकार एक बार कृषि का अलग बजट प्रस्तुत कर चुकी है। सभापति महोदय, मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो लोग भी किसान की चर्चा करने लगे जिनके चेहरे कहीं से किसान नहीं दिख रहे थे। जो ज्वार बाजरा धान और जौ और गेहूं का पौधा पहचान नहीं सकते, अगर फूले पोस के बाल नहीं पहचानेंगे तो उधर बैठे हुए लोग चर्चा कर रहे हैं। हमको तो हैरानी हो रही थी, लेकिन खुशी हो रही थी कि चलो कम से कम ज्योतिराज सिंधिया जैसे लोग तो भी किसानों की चर्चा करने लगे। गांव में ऐसे लोगों को लोग किसान की चर्चा करते हुए देखते हैं तो कहते हैं लगता है ये फिल्म का हीरो है, ये कहीं से किसान दिखता ही नहीं। और इसीलिए इस बात की चर्चा में आज यहाँ बजट के सेशन में सभापति महोदय मैं करता हूं कि लोग कहते हैं 8 महीने पहले जिनको हिम्मत नहीं होती थी इस सरकार के बारे में बोलने के, वो आज कह रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं सभापति महोदय, उसका 2 विधानसभा इलाहाबाद का होता है जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ते थे, जवाहरलाल नेहरू वहां के सांसद होते थे। अभी एक सप्ताह पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग वहां जुटे थे। कार्यक्रम में मैं गया था बाबू रूपनाथ यादव के मूर्ति के स्थापना के लिए, जिन्होंने आरक्षण का सबसे पहले प्रपोजल तैयार किया था, बाद में ये मंडल कमीशन बीपी मंडल के नाम से वो कमीशन जाना गया। सबसे पहले उत्तर में आतर आरक्षण का की व्यवस्था लागू की थी बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने। वहां एक राम मनोहर लोहिया के साथ रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि वीरेंद्र सिंह जाकर बता देना अपने देश के प्रधानमंत्री से और अपने दल के प्रधानमंत्री से कि उन लोगों के पेट में पेटबथी हो रही है। पेटबथी सब लोग समझ, इधर के लोग समझ सकते हैं, उन लोगों के पेट में पेटबथी हो रही है जिसको गरीब का बेटा वहां बैठा हुआ प्रधानमंत्री बना हुआ नहीं सुझाता है, उनके पेट में पेटबथी हो रही है। और जिसके खून में किसानों का अन्न पैदा हुआ है, जिसके खून में किसानों के द्वारा दूध पैदा करके अपना खून बनाया है, वो किसानों के विरोध में काम करेगा। किसानों के विरोध में किसान विरोधी होता तो पहली सरकार है सभापति महोदय जिसने अपने बजट में ये प्रावधान किया है कि हर खेत को हम पानी उपलब्ध कराएंगे। पहली सरकार है सभापति महोदय, एक किसान ही है जो अपने उत्पादन का दाम स्वयं नहीं तय करता है और सारे लोग अपने उत्पादन का दाम स्वयं तय करते हैं। पहली सरकार है जिसने अनाजों के, किसानों के पैदा हुए अनाज के लिए बाजार का स्थान तय किया है कि वहां जाकर किसान अपने अनाज का अपना दाम तय करेंगे और बेचेंगे अपने से। भूमि की बात हो रही थी, मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा था। इन लोगों को मालूम है कहां भूमि है गाँव में? पहले से किसानों ने सहमति के आधार पर सर्वे और चकबंदी से सहमति के आधार पर 10% जमीन देता है जो बचत की जमीन होती है। वो बचत की जमीन किसकी जमीन होती है? चकरोट के लिए होती है, चकनाली के लिए होती है, तालाब के लिए होती है, स्कूल के लिए होती है, खेल के मैदान के लिए होती है, चारागाह के लिए होती है,
इन सबों को पता ही नहीं है सभापति महोदय, ये लोग चकबंदी और सर्वे विभाग जानते भी नहीं है, ये लोग तो दिल्ली में चुनाव किसी कारण से जीत के चले आए हैं, आकर एक सेक्शन बन जाता है दिल्ली में, कुछ उधर के लोग हो जाते हैं, कुछ हमारे तरफ के लोगों को भी लगता है हीन भावना हो जाता है, उनको भी बाजारू लोग हो जाते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो बाजार के खिलाफ सीना तान के खड़ी है, और पहली सरकार का वित्त मंत्री है जो जयप्रकाश आंदोलन के आग से निकला हुआ, जिसका नाम है अरुण जेटली। सभापति महोदय, मैं बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, ये लोग कह रहे थे कि 60,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसान का माफ कर दिया, किसका कर्ज माफ हुआ? उनका कर्ज माफ हुआ जो लोग सरकारी पैसे की हड़प करना चाहते हैं, उनका कर्ज माफ हुआ जो अपना पैसा चुकता कर रहे थे, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ जो एको पैसा नहीं दिए थे, उनका कर्ज माफ हुआ, बैंकों ने अपना नुकसान भरपाई किया 60,000 कर्ज का, उनका कर्ज माफ हुआ। और किनके राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपया सरमाएदारों का माफ कर दिया गया था? यही बैठे हुए लोगों का, इन्हीं बैठे हुए लोगों के शासन काल में 1,00,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री हमें 1,00,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, कानो कान कोई नहीं जाना। आप कहते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति इस देश से बाहर चले जाएंगे, इसी देश में आजादी के लड़ाई के दिनों में गांधी जी के साथ घनश्याम दास बिरला भी बैठते थे और जमनलाल बजाज भी बैठते थे, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हमारे ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह यहाँ बैठे हैं, उन लोगों के सहायता से वो आजादी के लड़ाई के सहयोगी होते थे, उन लोगों का व्यापार भी चलता था, लेकिन आजादी के लड़ाई में भागीदारी भी करते थे और गांधी के साथ कंधों में कंधों मिलाकर भी काम करते थे। सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं समय समाप्त करूंगा। कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। कहां चले जाएंगे लोग? घनश्याम दास बिरला के प्रथम पंचवर्षीय योजना में रिहान थर्मल पावर बना था, रेणु सागर पावर कंपनी बनी थी, और मुझे इस बात को ठीक से जानकारी है कि इसी पार्टी की सरकार जब वहां होती थी तो रेणु पावर की उस जमीन, रेणु पावर की उस बिजली को कम पैसे में समझौता किया गया था और रेणु सागर का पानी उसको कम पैसे में दिया जाता था। ये लोग बताएंगे कि हम पैसे वालों की हिमायती है, और वो लोग बताएंगे, सभापति महोदय, खेती की जमीन कम हो रही है, 54,00,000 हेक्टेयर खेती की जमीन कम हुई है। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 1991 के बाद से ही क्यों किसानों ने आत्महत्या शुरू किया? उसके पहले तो किसान आत्महत्या नहीं करता था, जब मनमोहन सिंह वहां बैठे थे और नरसिंह राव वहां बैठे थे, हम लोग इधर बैठते थे, वही नीति लाई गई, तो उसके पहले किसानों ने आत्महत्या शुरू किया? सभापति महोदय, ये सवाल है। उसके बाद समीक्षा की रिपोर्ट बनी उस आर्थिक नीतियों ने रिपोर्ट बनाया कि इनके आर्थिक नीतियों के दोष के कारण से लाखों लोगों ने आत्महत्या की। सभापति महोदय, डिप्टी स्पीकर सर, पूरी करता हूँ। गाजीपुर से सांसद हैं मनोज जी, यहीं के सांसद होते थे। सभापति महोदय, I know how to handle the house. सभापति महोदय, ask him to sit down. सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, गाजीपुर के सांसद पहले होते थे एक विश्वनाथ कहमरी, आज गाजीपुर के सांसद हैं मनोज सिन्हा। इसी मंच से और इसी संसद में उन्होंने भाषण दिया था, पंडित नेहरू वहां प्रधानमंत्री होते थे, कि हमारे जिले में पशुओं के गोबर से अनाज निकाल कर लोग जीवन यापन करते हैं, तो नेहरू रोने लगे थे। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। पटेल कमीशन बना था पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को विस्तार के लिए, उसके जिले के विकास के लिए। आज तक पटेल कमीशन पर कभी किरवाना नहीं हुआ। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। थैंक यू मिस्टर डिप्यूटी।